व्हीट स्टोन ब्रिज है ना, व्हीट स्टोन ब्रिज जो है, ये व्हीट स्टोन नामक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये व्हीट स्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट दिया था, है ना। तो हम लोग देखते हैं इसमें चार रेजिस्टर लेंगे, वी विल टेक फोर रेजिस्टेंस और उसको हम लोग कनेक्ट करेंगे लाइक दिस, है ना। ये हम लोगों ने कनेक्ट किया, हम लोगों ने क्या किया, पैरेललोग्राम के शेप में रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया। ओके, अब मैं इस रेजिस्टेंस का पी क्यू आर एस, इसका ये आपके पास चार रेजिस्टेंस आ गया। ओके, पी क्यू आर एस। अब इसके इस डायगोनली, इसके इसके ये जो डायगोनली है, इसके डायगोनली हम लोग एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और बैटरी के साथ एक की लगा देते हैं, की का फंक्शन सिर्फ ऑन ऑफ करने के लिए है, ठीक है। तो एक की लगा दिया हम लोगों ने बैटरी के साथ। ओके, और इसके ये बैटरी जो है हमें पोटेंशियल देगा, ठीक है। और इसके क्रॉस अगर इस डायगोनल को देखें तो यहां पर हम लोगों ने एक क्लेवेरोमीटर लगा दिया और इसको भी हम लोगों ने क्या किया, एक की से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और अगर हम लोग की बात करें तो ये के बी लिख देता हूं मैं बैटरी के लिए, और ये यहां पर के जी में लिख देता हूं, की फॉर द ग्लेवरोमीटर कनेक्शन, ठीक है। अब हम लोग जैसे इसके स्विच को ऑन करते हैं, मीन्स की को हम लोगों ने ऑन किया, पहले हम लोग किसके की को ऑन करेंगे, हम लोग बैटरी के की को ऑन करेंगे, ठीक है। अगर हम लोगों ने जैसे की को ऑन किया, ऑन करने के बाद देर वुड बी फ्लो ऑफ करंट, है ना, यहां से आई करंट फ्लो करेगी, ठीक है। और अगर हम लोग यहां पर, मैं एक काम करता हूं, मैं इसको ए बी सी डी, ठीक है, ये चार पॉइंट हम लोगों ने इसका नॉमेनक्लेचर कर लिया, नाम दे दिया इस पॉइंट को। अब ये जो आई करंट है, आई करंट हमारा ए बी टर्मिनल से फ्लो करेगा, दिस सपोज ये, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर ये जो करंट है ये यहां पर हो जाएगा, अगर हम लोगों ने इसको आई टू मान लिया, सपोज दिस इज एन आई टू करेंट, ठीक। तो यहां पर जंक्शन, तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ जंक्शन लॉ करंट डिवीजन हो रहा है, तो ये यहां पर हम लोग को इस आर्म से बहने वाला, मीन्स आर जो आर रजिस्टर जिस आर्म में है, इस आर्म से जो करंट बहे फ्लो करेगा, दैट वुड बी आई माइनस आई टू। ओके, दिस करंट विल फ्लो इन दिस आर थ्रू दिस आर। अब अगर हम लोग यहां से देखें, ये करंट यहां से निकलेगा और यहां पर एक पॉइंट जो है, ये बी का जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर हम लोग जंक्शन लॉ लगा सकते हैं, और ये करंट अगर इसमें जा रहा है तो ये सपोज आईजी करंट, ठीक। और इस पे कितना आएगा, इस पे अगर देखें तो ये हो जाएगा आई टू माइनस आईजी, ठीक है। ये करंट फ्लो करेगा क्यू से, क्यू रेजिस्टर से, ओके, क्यू से। अब अगर हम लोग यहां पर देखें तो यहां पर क्या हो रहा है, दिस इज द करंट, है ना, और एक करंट आपका अगर स्विच ऑन आपने कर दिया है तो यहां से ये करंट आएगा, और इस आर्म में जो करंट फ्लो करेगा दैट विल बी सम ऑफ दिस आई माइनस आई टू, आई माइनस आई टू एंड प्लस आई जी, ठीक है। ये हो जाएगा, मैं सीधा सीधे इसको आई माइनस आई टू प्लस आई जी लिख सकता हूं। ये करंट जो है, दिस करंट विल फ्लो इन दिस आर एस। और अगर आप देखें तो यहां से ये करंट और यहां से ये करंट आकर के यहां सम अप हो जाएगा, और अगर आप इसको सम अप होगा मीन्स, तो सम अप होने के बाद यहां पर जो करंट आ जाएगा, फिर हमें आई मिल जाएगा, ठीक है। जितना हमारा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाएगा तो फाइनली जो है पॉजिटिव टर्मिनल से निकलने वाला करंट वो कितना हो जाता है, सेम ही होगा, है ना, ये करंट आई हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, वी विल अप्लाई द किरचॉफ रूल्स, है ना, हम लोग यहां पर किरचॉफ वोल्टेज रूल अप्लाई कर सकते हैं, वी कैन अप्लाई द केवीएल, ठीक है। अब केवीएल अप्लाई करने के लिए यहां पर तो बहुत सारा लूप बन रहा है, बट अगर हम लोग इस लूप को पकड़ लें, ओके, ठीक है, अगर इस लूप को पकड़े और इस लूप को पकड़े, ठीक है, लूप टू, तो
अगर लूप वन की बात करें तो अगर हम लोग इसको ले लें ए बी डी ए, अगर हम लोग लूप वन को कंसीडर करें ए बी डी ए, ठीक है। अब हम लोग इस पे किरचॉफ लॉ लगाते हैं। अगर हम लोग इस पॉइंट से कंसीडर कर रहे हैं ए से, तो ए से जिस डायरेक्शन में करंट चल रहा है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ द करंट, तो यहां पर ड्रॉप क्या होगा, यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, क्या ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? ऑब्वियसली नेगेटिव होगा, राइट। अगर इस डायरेक्शन पे करंट अगर जाएगा तो यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप हम लोग नेगेटिव कंसिडर करते हैं, राइट। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं माइनस पी ऑफ आई टू, ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं माइनस पी ऑफ आई टू, यहां नेगेटिव हो रहा है। अब ये जो डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में करंट में, तो यहां पर जो रेजिस्टेंस होगा आरजी, तो ये भी हमारे पास माइनस ही साइन के साथ हम लोग लिखेंगे, दैट इज आरजी इनटू आईजी, ओके। नाउ अब हम लोग इस डायरेक्शन में देखें, फ्रॉम डी टू ए, जब करंट का जो डायरेक्शन है वो क्या है, वो अपोजिट है, तो हम लोग यहां पर ड्रॉप कर लेंगे, साइन हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं आई आर इंटू, मैं पहले रेजिस्टेंस को ले रहा हूं इसलिए आर इंटू आई माइनस आई टू, ओके। जो टोटल ड्रॉप है दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो, केवीएल हम लोगों ने लगा दिया, ये अपने को एक इक्वेशन मिल गया, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन अगर हम लोग इसको देखें, वी कैन कंसीडर लूप, कौन सा लूप ले लें, बी सी डी बी, बी सी डी बी, ठीक है। नाउ वंस अगेन वी कैन अप्लाई द किरचॉफ लॉ। यहां पर अगर बी से सी की तरफ जा रहा है तो दिस इज द, ये जो लूप हम लोगों ने कंसीडर किया दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, है ना। तो यहां पर हम माइनस साइन लेंगे एज वेल, माइनस आई टू माइनस आई जी, ठीक है, आई टू माइनस आई जी इंटू दिस क्यू, दिस रेजिस्टेंस क्यू, ठीक है। अब अगर हम लोग सी से डी की तरफ देखें तो हमारे पास क्या है, दैट इज ऑल्सो, अब यहां सी से डी की तरफ जा रहे हैं तो डायरेक्शन ऑफ द करंट क्या है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन दिस ब्रांच, तो करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, तो हम लोग यहां पर प्लस ले सकते हैं, राइट। और ये जो प्लस है वो क्या हो जाएगा, आई माइनस आई टू प्लस आई जी इंटू एस, ठीक है। फर्दर इस डायरेक्शन को देखें तो यहां पर ये भी, इसका भी करंट का फ्लो का जो डायरेक्शन है दैट इज अपोजिट टू योर डायरेक्शन ऑफ द लूप, मतलब डी बी की तरफ हम लोग लूप ले रहे हैं और करंट का डायरेक्शन क्या है, बी से डी की तरफ है, तो हम लोग यहां पर पॉजिटिव कंसिडर करेंगे और लिखेंगे आई जी एंड आर जी दैट इज इक्वल टू जीरो। ये अपने को मिल गया इक्वेशन नंबर टू, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे बैलेंस ब्रिज की। अगर हमारा ब्रिज बैलेंस हो, व्हेन ब्रिज इज बैलेंस्ड, ब्रिज बैलेंस्ड होने का मतलब क्या हुआ, अंडर दिस कंडीशन दैट वीबी माइनस वीडी इज इक्वल टू जीरो, ओके, तो वीबी माइनस वीडी इज इक्वल टू जीरो हो गया, देन जीरो, ठीक है ना। आईजी हमारा क्या हो जाएगा, आईजी इज गोइंग टू बी जीरो। अंडर बैलेंस कंडीशन देयर वुड बी नो फ्लो ऑफ करंट थ्रू दिस ब्रांच, है ना। इक्विलिब्रियम में हमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा, व्हाई, बिकॉज द करंट इज नॉट फ्लोइंग थ्रू दिस ब्रांच, क्यों, क्योंकि बी पर हमारा पोटेंशियल जीरो हो रहा है और डी पे भी हमारा पोटेंशियल, मतलब बी बी माइनस बी डी जिसकी बात कर रहे हैं वो पोटेंशियल हमारा क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है, ओके। अब हम लोग इस कंडीशन को, ये जो हम लोगों ने लूप लगाया दैट इज फॉर द अनबैलेंस्ड, है ना, अनबैलेंस्ड ब्रिज के लिए हम लोगों ने लूप लगा करके लूप लॉ लगाया, राइट, केवीएल। अब अगर हम लोग चाहें
तो क्या आईजी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं? बिल्कुल पुट कर सकते हैं। अगर इस इक्वेशन में वन और टू पे अगर हम लोग आईजी की वैल्यू पुट करें तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? चलिए पुट करके देखते हैं। तो ये इक्वेशन हो जाएगा माइनस पी आई टू, राइट, और ये टर्म क्या हो जाएगा? इट विल बिकम जीरो प्लस आर आई माइनस आई टू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब अगर हम लोग इसको इस साइड ले जाएं, मतलब इसको अगर हम लोग प्लस को इधर ले जाके माइनस कर दें तो ये माइनस खत्म हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू आर आई माइनस आई टू। ठीक है, ये अपने को इक्वेशन वन जो है इक्वेशन थ्री में कन्वर्ट हो गया व्हेन वी पुट आईजी इज इक्वल टू जीरो। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि सिमिलरली वी कैन पुट द कंडीशन, दिस कंडीशन आईजी इज इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन टू। तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा? हम लोगों को मिल जाएगा ये पार्ट हमारा जीरो हो जाएगा, दिस पार्ट, ओके, और ये हमारा हो जाएगा आई टू माइनस व्हाट आईजी, और आईजी हमारा क्या हो रहा है यहाँ पर? जीरो हो रहा है। ठीक है, आई टू माइनस आईजी, तो आईजी हम लोग जीरो ले लेंगे तो कैन इट वुड बी आई टू इंटू क्यू, ओके, या मैं सीधे क्यू आई टू लिख देता हूँ चूंकि रेजिस्टेंस को मैं पहले लिख रहा हूं तो क्यू आई टू लिख देता हूँ, ओके। और इसको अगर हम लोग देखें ये पार्ट, तो ये पार्ट तो जीरो हो गया, ये प्लस है, राइट, इधर जाएगा माइनस होगा, माइनस माइनस कैंसिल हो रहा है और यहां पर आ रहा है हमारे पास एस, और ये हो रहा है आई माइनस आई टू, क्योंकि ये आई जी हमारा क्या हो जाएगा? जीरो, तो देन इट विल बी आई माइनस आई टू। ठीक है, ये अपने पास आ गया इक्वेशन फोर। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? वी कैन डिवाइड, क्या थ्री इक्वेशन थ्री बाय इक्वेशन फोर। अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? दिस आई टू एंड आई टू वुड बी गेट कैंसिल, अपने पास आ जाएगा पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस। दिस इज द कंडीशन फॉर बैलेंस ब्रिज। ठीक है, कोई भी ब्रिज बैलेंस कब होगा? जब ये दो रेशियो ऑफ दीज आर्म्स, एडजेसेंट आर्म जिसको कह सकते हैं, पी बाई क्यू और आर बाई एस का रेशियो जो है वो बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको कुछ एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं। एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो अगर मान लिया कोई सर्किट है, अगर आपको गिवन है और आपसे कहा जा रहा है, मतलब ये इसका एग्जाम मीन्स व्हीटस्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन की बात करें तो ये इसकी एप्लीकेशन मीटर ब्रिज में है ना। सपोज ये दिस इज अ रजिस्टर, है ना, ये आपके पास रजिस्टर है एंड ये अगर मैं बोलूं दिस इज 8 ओम, ठीक है, और दिस इज 16 ओम। ठीक है, फर्दर अगर मैं इसको 64 कर दूं और इसको 128 ओम, दिस इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द एडजेसेंट आर्म, और यहां पर अगर मैं 200 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया मैंने और ये आपका सर्किट है, अगर आपसे बोला जाए कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस, तो अगर हम लोग इस सर्किट को देखें तो क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है? अगर व्हीटस्टोन ब्रिज होगा तो हम लोग इस पार्ट को एलिमिनेट कर देंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज मतलब क्या? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की बात हम लोग कर रहे हैं। क्या ये बैलेंस है? तो फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होना चाहिए? अपने पास कंडीशन रेशियो है पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस। अगर हम लोग देखें तो 8 बाई 16 मस्ट बी इक्वल टू 64 बाई 128। ठीक है, इसको अगर हम लोग इसका रेशियो निकालें तो दैट इज 1 बाई 2, और इसका भी रेशियो निकालें दैट इज 1 बाई 2, मीन्स वॉट? ये बैलेंस ब्रिज है। अगर ये बैलेंस ब्रिज है तो हम लोग सीधा सीधे बीच वाला जो रजिस्टर है उसको एलिमिनेट कर सकते हैं और
इसको हम लोग ये सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं. वी कैन कन्वर्ट इनटू दिस इज द वे. ठीक है, और अगर इसकी बात करें तो ये हमारा हो गया 8 ओम, ये हो गया हमारे पास 16 ओम, और ये 64, और ये हो गया 128. ठीक है, अब आपके पास ये काफी सिंपल हो गया. वी कैन ऐड दिस बिकॉज दिस इज इन सीरीज, वी कैन ऑल्सो ऐड दिस, एंड आफ्टर एडिंग दिस इट विल बी पैरेलल टू ईच अदर. ठीक है, तो अगर हम लोग इसको ऐड करें तो ये हो जाएगा 16 प्लस 8 दैट इज अ 24, एंड 128 प्लस 64 दैट इज 120 प्लस 60 इज इक्वल टू 180 मीन्स 192. ओके, 8 प्लस 4 इज 192, 12, एंड 180 प्लस 12 इज 192. तो दिस इज व्हाट, दिस इज पैरेलल टू ईच अदर. तो हम लोग इसको यहां पर से निकाल सकते हैं, 192 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 192 प्लस 24. सो दिस वुड बी आर इक्विवेलेंट इन ऑफ दिस सर्किट. ठीक है,